डीपीसी कार्यालय में, तो कलेक्टर मैन से आपने शिकायत की तो क्या अभी चाहते? अभी मैंने आवेदन दे करके पावती ले लिया हूँ, अभी कलेक्टर मैन के पास पहुँची है, शिकायत नहीं पहुँची अभी जानकारी। क्या नाम है आपका? चंद्रलोक मिश्रा। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम। केवल ये होती थी कि सर हो जाएगा हमारा कि नहीं होगा, तो कई बार उन्होंने बताया कि आचार संहिता लग गया, आचार संहिता के दौरान जैसे आचार संहिता खुलता है वैसे आपको हो जाएगा, भले अपूर्व। और मैं एक छोटी सी विद्यालय चलाता हूँ प्राइवेट, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मन है कि आप आउटसोर्स की एजेंसी के माध्यम से MIS पद में आप नौकरी कर लिए, 50,000 हमारा उनका सौदा तय। खबर रीवा से, DPC रीवा ने MIS पद पर भर्ती के लिए ली 50,000 की रिश्वत, पीड़ित ने कलेक्टर को सौंपा शपथ पत्र रीवा मोडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज में, हूँ आपके साथ कंचन। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। पूर्व में भी रिश्वत का ऑडियो हुआ था वायरल, तब BRC रीवा पर गिरी थी गाज। रीवा जनपद शिक्षा केंद्र त्योथर में आउटसोर्स से MIS के पद पर नियुक्ति हेतु जिला परियोजना समन्वयक DPC देवकरण मिश्रा ने ग्राम सोहावल तहसील जवा निवासी चंद्रलोक मिश्रा से 50,000 रुपए बतौर रिश्वत अपने घर में ली। आचार संहिता का बहाना लगाकर 3 माह तक किया टालमटोल। रिश्वत लेने के बाद जब काफी दिनों तक पीड़ित की नियुक्ति नहीं हुई तो उसने अपने पैसे वापस मांगे, तो DPC ने कहा कि अभी आचार संहिता लग गई है, आचार संहिता समाप्त होते ही आपकी नियुक्ति हो जाएगी, जो कि आज दिनांक तक नहीं हो पाई। पीड़ित ने जब अपने पैसे की मांग की तो उल्टा उसे गाली गलौज और धमकी मिलने लगी। मऊगंज विधायक से लगाई गुहार, विधायक ने कलेक्टर को सौंपा ऑडियो सहित शिकायती आवेदन। पीड़ित ने जब समझा कि उसके साथ धोखाधड़ी की गई और नियुक्ति भी नहीं मिली, पैसे भी चले गए, तो उसने मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल के समक्ष गुहार लगाई और न्याय की मांग की। मामले पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल से संबंधित शिकायती आवेदन एवं शपथ पत्र में ऑडियो सहित जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल को सौंपा है। अब देखना है कि इस मामले पर क्या कार्रवाई की जाती है, या पूर्व की भांति DPC को आवेदन दे दिया जाता है। अभी के लिए बस इतना ही, हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपने आज कलेक्टर के बारे में शिकायत की है कि नौकरी के नाम पे आपसे पैसे लिए गए अधिकारी के द्वारा, और उसकी ऑडियो भी आपके पास है, तो मामला क्या है? मामला ऐसा है सर कि यहाँ की जो DPC है माननीय देवकरण मिश्रा जी, उनका हमारा परिचय 10 साल पहले था पूर्व में, और मैं एक छोटी सी विद्यालय चलाता हूँ प्राइवेट, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मैंने उनको अपने विद्यालय में चीफ गेस्ट बनवाया। जब चीफ गेस्ट बनवाया तो हमारे कार्य से प्रभावित होकर के मुझे अपने घर बुलाए, और घर बुलाने के बाद मुझे कहते हैं कि आप आउटसोर्स की एजेंसी के माध्यम से MIS पद में आप नौकरी कर लिए। नौकरी की ललाक रहती है, मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने 1,00,000 रुपये की चर्चा की, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करते करते 50,000 हमारा उनका सौदा तय। जब 50,000 हमारा उनका सौदा तय हो गया, उन्होंने बोले कुछ दे दीजिए, तो मैंने उनको 15,000 करके 2 बार में पैसा दिया, और 30,000 रुपये शेष रह गया था। तो हमारी उनकी बात ये हुई थी कि जब अगर वो जिस दिन आपको आदेश मिलेगा उस दिन आप उन्हें पैसा दें, बोले ठीक है। फिर अगस्त से सर आज तक मुझे एकदम कंटिन्यू घुमाते रहे, मैं और हमारी पत्नी दोनों लोग उनके घर भी गए, बिल्कुल उनसे निवेदन किए, उसका कोई नहीं। और 3,000 रुपये पंकज कुमार द्विवेदी के नाम से मेरे अकाउंट में डलवाए गए। अब ये जो आपका लेन देन हुआ है, इसके बारे में चर्चा क्या मौखिक होती थी या फिर मोबाइल फोन के माध्यम से? मौखिक होती थी सर, कुछ बातें हमारी उनकी केवल ये होती थी कि सर हो जाएगा हमारा कि नहीं होगा, तो कई बार उन्होंने बताया कि आचार संहिता लग गया, आचार संहिता के दौरान जैसे आचार संहिता खुलता है वैसे आपको हो जाएगा, और आचार संहिता जब खुल गया तो मैंने उनके घर में संपर्क किया, फिर उन्होंने बोले कि मैंने पैसे किसी साहब को दे दिया हूँ, वो जिस दिन आ जाएगा तो आपको पैसा चाहे रिटर्न कर दूँगा, फिर वो मैंने यह कि आपका काम हो जाएगा। फिर बोले कि मैं नोट शीट को बढ़ा दिया हूँ, और नोट शीट मुझे दिखाई थी, उसमें माननीय सीओ साहब ने चर्चा ली थी, उससे बताया। आपने जो बातचीत की, कुछ ऑडियो भी आप उपलब्ध करा रहे हैं, तो इस समय क्या आपसे लेन देन की बात हुई उनसे कुछ? इस आईडियो से हमारी उनकी पैसा रिटर्न करने की चर्चा हो रही है, मतलब नौकरी नहीं मिली तो आप पैसा? हाँ, मेरा पैसा वापस कर दीजिए। और सर मुझे इतना तक कह चुके कि अब हमारी आपकी लड़ाई आर पार हो जाएगी और काफ़ी विवाद होगा हमारे आपके बीच में, और उनको जो आउटसोर्स एजेंसी है उससे भी मुझे कई बार उन्होंने गुमराह किया कि आप जा करके आउटसोर्स एजेंसी से सत्यप्रकाश मिश्रा जी हैं उनसे मिल लीजिए, मैंने उनको बोल दिया हूँ वो आज आपका दे देंगे, और हमारा साला यहाँ रहता है मुझे पैसे देने के लिए साले से बोले कि मेरे अकाउंट में कैश नहीं है,
और फिर दीजिए किसी को, तो मैंने अपने साले को भेजा कि जा करके पैसा ले लीजिए। फिर वो फ़ोन किया तो एक बार फ़ोन उठाए, फिर दोबारा जब टाइम दिए थे पैसा वापस करने के लिए तब उन्होंने फ़ोन ही रिसीव करा। आपने जिस अधिकारी का नाम लिया है वो कहाँ पदस्थ है अभी? और कलेक्ट्रेट में डीपीसी कार्यालय, कलेक्टर डीपीसी कार्यालय में। तो कलेक्टर मैन से आपने शिकायत की तो क्या अभी जब अभी मैंने पावती आवेदन दे करके पावती ले लिया हूँ, कलेक्टर मैन के पास पहुँची है शिकायत की, उन्हें पहुँची है जानकारी। क्या नाम है आपका? समलोक मिश्रा। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम सुहावर थाना पलवार के मेरी गाँव। की नौकरी कहाँ दे रहे थे आपको? ये चौथा विधानसभा और ब्लॉक MIS पद के लिए।